बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं चिकन मुगलाई। ये बहुत लाजवाब और आसान रेसिपी है। आप इस रेसिपी को अपनी फैमिली के लिए या मेहमानों के लिए बना सकते हैं। तो ये रेसिपी बहुत शानदार है, जब आप ये बनाएंगे उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो हम बनाना शुरू करते हैं। 3 पाव चिकन है, इसे वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद मैं नमक ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और लहसुन है बारीक पिसा हुआ 1 टीस्पून, ये ऐड कर देंगे। और लेमन जूस 1 टेबल स्पून। तो ये मसाले हम मैरिनेट कर रहे हैं और दही डाल देंगे। टोटल हमें 1 पाव दही चाहिए, उसमें से हम 3 टेबल स्पून दही के ऐड कर देंगे। तो ये दही हमने इसमें ऐड कर दी है और अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसे रख दूँगी आधे घंटे के लिए, कवर करके रखेंगे आधे घंटे के लिए। और अब इसके बाद हम ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें मैं प्याज बारीक पिसी हुई ऐड कर दूंगी 1/2 प्याली और प्याज को हम बिल्कुल लाइट ब्राउन करेंगे। तो देखिए हम प्याज लाइट ब्राउन कर लेंगे, आपको दिखाते हैं। लेकिन कैमरे में तेज कलर नज़र आ रहा है प्याज का, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने लाइट ब्राउन की है। आपको भी लाइट ब्राउन प्याज करनी है। प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है, इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। बाउल में जो मसाला लगा है इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और बाउल साफ़ करेंगे। चिकन और प्याज हम अच्छे से मिक्स करेंगे। लो टू मीडियम आंच की है हमने और अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। बस ये मिक्स करते के साथ ही अब हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे। लहसुन ऐड करने के बाद 1 टीस्पून लहसुन ऐड किया है। चिकन और लहसुन की हम भुनाई करेंगे। लो टू मीडियम में हम भुनाई कर रहे हैं, बस चिकन का कलर हमें चेंज करना है। तो 2 मिनट लगते हैं लो टू मीडियम भुनाई करने में। तो देखिए अब ये भुनाई कर लेंगे और अब हमने लो फ्लेम की है, ठीक है। सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, दरदरा धनिया 2 टेबल स्पून और हल्दी 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम और ये है वाइट पेपर 1/2 टीस्पून। वाइट पेपर है तो डाल दीजिए, अच्छा फ्लेवर आता है। और नमक 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर भी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम। तो ये मसाले ऐड करने के बाद हम 30 सेकंड के लिए भुनाई करेंगे। तो हल्की आंच में हमें मसाले पकाने हैं, इनकी भुनाई करनी है। तो थोड़ी सी आँच और बढ़ा देंगे, बस मसाले हमारे जलने नहीं चाहिए। तो बस हम इसकी भुनाई कर लेंगे। इसमें से ऑयल निकल आया है, देखिए इसकी भुनाई हो चुकी है इन मसालों की। हमें मसाले जलाने नहीं है, एहतियात से भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद मैं टमाटर का पेस्ट डाल दूंगी 1/2 प्याली, ठीक है, बिल्कुल बारीक पिसे हुए टमाटर है। और फिर हम इसे मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम कवर कर देंगे और लो फ्लेम करेंगे, तब तक के लिए गोश्त गल ना जाए। तो देखिए चिकन गल के तैयार है, फुल फ्लेम कर देंगे और भुनाई करेंगे। तो इसकी भुनाई 2 मरतबा में होती है, 1 मरतबा अभी हम कर चुके हैं। ये देखिए भुनाई हो गई है, ऑयल निकल आया है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी बस भुनाई, बस ऑयल निकल आया, ठीक है। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। हमारे पास टोटल 250 ग्राम दही था, फ्रेश दही था, खट्टा दही नहीं होना चाहिए। 3 टेबल स्पून हमने पहले ऐड किए थे और जो बचा है ना 250 ग्राम में दही, वो अभी ऐड कर दिया। अब फुल फ्लेम में हमें भुनाई करनी है। कवर भी लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए, चंद सेकंड के लिए हमने कवर लगाया था और अच्छे से भुनाई कर लेंगे। देखिए इस रेसिपी में क्रीम भी ऐड की जाती है, लाजमी नहीं है क्रीम ऐड करें, लेकिन की जाती है, करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो और मज़े की ये मुगलाई चिकन बन के तैयार होगा। तो मैं इसमें क्रीम ऐड नहीं कर रही, भुनाई कम्प्लीट करने के बाद इसमें क्रीम ऐड करते हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं। तो ये देखिए भुनाई हो चुकी है। हरी मिर्ची आपको पसंद है तो आप इसमें ऐड कर दीजिए, जितनी पसंद है आप डाल सकते हैं। और अब हम लो फ्लेम कर देंगे 10 मिनट के लिए। तो बस कवर लगा देंगे, भुनाई हो चुकी है, कढ़ाई तैयार है। ये देखिए बहुत शानदार हमारी कढ़ाई तैयार हुई। इस वक्त आप क्रीम ऐड कर सकते हैं 1/2 प्याली। तो ये बहुत मज़े की चिकन मुगलाई बन के तैयार है। आप भी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है। जब आप ट्राई करेंगे आप कहेंगे वाकई तो बहुत आला शानदार रेसिपी है। मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।